लैक नहीं लग रहा है, हालांकि मैं अभी स्लो चल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा एक्सीलेटर दबाता हूँ तो उंगली के साथ, इस उंगली के साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे रहे तो ये आपको ऑटोमेटिकली 360 कैमरा के साथ आपको दिखा देगा कि आपका टायर। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं विजय स्वागत करता हूँ आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज जो मैं ब्रांड से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, ये ब्रांड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस कंपनी रिलेटेड में बहुत कुछ कवर नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं गाड़ी को चलाऊंगा भी, और साथ ही साथ इस गाड़ी की काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो सेल्टोस से मिलती जुलती है, मर्सिडीज से मिलती जुलती है। तो ये जो ब्रांड है ये बहुत पुराना नहीं है, हालांकि ये बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई थी 2018 में, लेकिन इनके जो बैकबोन्स हैं काफ़ी पुराने और एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है इस मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में, नाम है जीटो। तो ये है वो कार जिसके बारे में मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो जी टूर ये है जो काफ़ी हद तक देखा जाए तो सेल्टोस की हूबहू कॉपी है। इंटीरियर की जो फंक्शन है वो मर्सिडीज जैसे जो फंक्शंस है उस सबको कंबाइन करके ये गाड़ी को तैयार किया गया है। आप अगर पीछे देखेंगे तो काफ़ी ऐसा लगेगा आपको, मैंने अगर ये लोगो नहीं रहेगा तो बहुत अचानक से अगर कोई देखे तो उसको सेल्टोस की तरह आपको बोलेगा कि ये ऑलमोस्ट सेल्टोस जैसी दिखती है। तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या सेल्टोस और इसके मिलती जुलती है कि नहीं, क्या मैं सही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कौन से कार के साथ मैचिंग है या कौन से कार के साथ काफ़ी मिलता जुलता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ऐसा कुछ है इसका कार का साइड का लुक बहुत यूज सा है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। पीछे की तरफ से देखेंगे तो ऐसा आपको कुछ लुक्स देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अभी इसकी फंक्शनलिटी में बात करूँगा तो वो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मैं दिखाऊँगा इसमें। तो ये आपका साइड से ऐसा लुक है, इसके जो एलॉय व्हील्स है वो भी काफ़ी हद तक देखिए काफ़ी खूबसूरत सा है। फ्रंट पे आपका कुछ ऐसा लुक है जो यहाँ पे बड़ा सा एक जी टूर बोल के इसका जो कंपनी का लोगो दिया हुआ है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके जो प्राइजेस है वो देखा जाए तो कोई भी लग्जरी कार के साथ मैच नहीं कर सकता। तो 1.4 लीटर इंजन के साथ ये काफ़ी हद तक मजबूत गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। इसकी पावर परफॉर्मेंस की बात करें ये करीब 197 हॉर्स पावर का इंजन पावर देती है, और इसकी सबसे अच्छी बात है तो ये एक मिड साइज SUV है, और चलिए मैं दिखाई देता हूँ बाहर से जो आपको ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लाइट, LED लाइट देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 6 एलॉय व्हील के साथ टायर बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी डायनामिक लुक दिया हुआ है। अब तो लगता है मोस्ट ऑफ दी गाड़ी में ये फंक्शन है जो यहाँ पे टच करके आप ओपन कर सकते हैं या आप नॉर्मली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चाबी भी बहुत इसकी खूबसूरत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पेट्रोल सेक्शन का जो कैप है वो कुछ ऐसा प्रेस करने से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेट्रोल का फ्यूल टैंक देख सकते हैं देखने को मिलेगा। बूट स्पेस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वाइपर्स आपको देखने पड़ेगा। 360 डिग्री कैमरा के साथ LED लाइट, बैक लाइट, आपको ये पूरा फंक्शंस देखने को मिल जाएगा। चाबी की अगर बात करूँ तो कोई भी इसको देख के नहीं बता सकता ये इसकी चाबी है। बहुत ही खूबसूरत सा है लॉक अनलॉक, बूट स्पेस को ओपन करने का और ये गाड़ी स्टार्ट करने का, मैंने आप जाने से पहले ही इसको स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही हल्की है, बहुत ऐसी हैवी वाली कुछ यहाँ पे मेरे को नहीं नज़र आ रहा है, या वेट आपका सही लग रहा है। और बाकी ये देखिए, अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो इसका कुछ अभी डे के टाइम में आपका उतना खास दिखेगा नहीं, लेकिन रात के टाइम पे ये बहुत अच्छा फंक्शंस देता है, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छा प्यारा सा चमकता है। तो बूट स्पेस हम लोग देख लेते हैं कितना है, ये देखिए। तो बूट स्पेस की बात करें तो पीछे अच्छी खासी इसको स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो भी फिर भी अच्छी खासी यहाँ पे हेड स्पेस के साथ और अच्छे कंफर्टेबल के साथ यहाँ पे मैं बैठ के आराम से, कोई भी कंजेस्टेशन नहीं लग रहा है। तो ये है कुछ इसका स्पेस अवेलेबल, यहाँ पे ह्यूज सा स्पेस लग रहा है, यहाँ ह्यूज सा स्पेस दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेपनी टायर फिलहाल नहीं है, लेकिन बाद में आपको मिल जाएगा। और ऐसे इसके कुछ फंक्शंस है, और सिंपली एक क्लिक में इसको आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करना हो तो सिंपली जब मेरे को अनलॉक करना है तो अनलॉक करने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा है, यहाँ से ये ओपन हो जाता है, बहुत ही कूल लगता है ये देखने में। और अब हम अंदर चलते हैं और
देखते हैं अंदर से कैसे क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। तो पहले ही अंदर की मैं बात करूँ तो बहुत प्यारा सा इंटीरियर है, ब्लैक रेड एंड ग्रे में इसका फिनिशिंग बहुत प्यारा सा लग रहा है। लेदर फिनिशिंग है, वेंटिलेटर सीट है जितने भी है, मतलब चारों के चारों, यहाँ फ्रंट पे दो बैक में दो, सब के सब वेंटिलेटेड सीट दिए हुए हैं। यहाँ पे विंडो कंट्रोल करने के लिए पूरे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी ऑटोमेटिक है। स्ट्रीचर का स्पीकर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पीकर देख सकते हैं, हालांकि कोई ब्रांडिंग नहीं है तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा ही इसका ब्रांड होगा शायद। और यहाँ पे एक छोटा सा एक अच्छा सा फंक्शन दिया है, ये देखिए कुछ हुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी पूरा लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है, यहाँ पे वेलवेट का आपका यूज़ किया गया है, कार्बन फाइबर यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। बाकी अंदर देख के चलते हैं भाई कैसा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मैं बोलूँगा बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा सा एक मेरे ख्याल से ये अराउंड 16 इंच ही होना चाहिए। यहाँ पे डे एंड नाइट मैनुअल करने वाला एक मिरर, बैक मिरर देखने को मिल जाएगा। और हम इसको सबसे पहले चालू करते हैं, बहुत गर्मी है तो स्टार्ट करने के लिए सिंपली तो ऐसा कुछ इसको फंक्शन आपको देखा, कुछ फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भना जनाब बोल रहे हैं कि मैंने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो टीम टीम कर रहा है कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, आप गाड़ी स्टार्ट कर दिए। तो बाकी 360 डिग्री तो कैमरा आपको मैंने बताया, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपका मैप वगैरह आपका देखने को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी मैप की यहाँ पे विजुअल आएगी। फिलहाल ये सेट नहीं किया है इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ 360 डिग्री, हालांकि यहाँ पे 540 डिग्री का आपको फुल व्यू फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। आप एक को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, यहाँ अगर मैं फैन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपका पूरा कंट्रोल जितना एसी का है वो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट के लिए, अगर गर्म हवा के लिए, आप यहाँ गर्म हवा कर सकते हैं, और जो कि मैं अभी फील कर पा रहा हूँ एकदम तुरंत सा स्टार्ट हो जाता है। और उसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, ओह माय गॉड, एक एक करके बंद करना पड़ता है। यहाँ मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपका पूरा जो एसी वाला जो हवा है, मतलब ठंडा हवा आपको अंदर से मिलने, मैंने यहाँ सीट जो है सीट से आपको ठंडी हवा की महसूस होने लगेगी। और साथ में हमको क्या देखना है, इसको बंद करते हैं, ओके स्लो एंड फास्ट। इसके ऊपर भी इन लोगों ने ये जो यहाँ पे आपको फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए यहाँ पे ये तीन जो पंखे का साइन दिया हुआ है, ये जो साइन, इसका अर्थ ये है कि आपको एक बार क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा और क्लिक करेंगे तो एकदम स्लो होगा, लास्ट वाले क्लिक में पूरा बंद होगा। सेम फंक्शन आपका हीटिंग में भी दिया हुआ है। और क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली फेस में आपको, अगर डायरेक्ट फेस में आपको हवा चाहिए तो ये आपको वो फंक्शन दे देता है। यहाँ पे लेग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों के लिए दिया है कि चाहे मेरे को थोड़ा फेस में आए, थोड़ा पैर की तरफ आए। गर्मी के टाइम पे हम लोग बहुत टाइम होता है कि हम लोग थोड़ा फेस में आपको हवा लगना चाहिए, थोड़ा आपको पैर की तरफ ही हवा आना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो वो फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फिलहाल मैं अभी फेस की तरफ रखता हूँ। और आपको फंक्शन देखें, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल देख सकते हैं, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई। मतलब चाइनीज वालों ने पूरा फंक्शंस जो है, जो कि आप देखा जाएगा टेस्ला के अंदर है या मर्सिडीज के अंदर है, वो सब फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये वायरलेस, ये यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली एक क्लिक यहाँ पे रख दिया और ये फुल फंक्शंस, तो चार्जिंग भी वायरलेस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी एक अच्छा सा एक यहाँ पे गार्ड रखने को दिया है, मतलब अगर आपको कुछ अगर रखना हो मोबाइल वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना हो। सिंपली यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल वगैरह यहाँ पे स्टफ रख सकते हैं। एसी के पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कॉर्नर पे एक है, यहाँ पे एक कॉर्नर में है, यहाँ पे भी एक कॉर्नर में, इसके पीछे भी एक है, यहाँ पे फ्रंट पे भी एसी दिया हुआ है। और क्या फंक्शंस यहाँ पे देखने के, यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम एप्पल एंड्रॉयड कुछ भी आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ डायल करना है डायरेक्टली, आप यहाँ से भी डायल कर सकते हैं। आपका यहाँ पे रेडियो सिस्टम वगैरह जो है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फैंस का मैंने आपको दिखा दिया है। सेटिंग में जाते हैं, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, जितने भी नेटवर्क है आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आप यहाँ पूरा फंक्शंस आप डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। और क्या हमको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी जो आपका है एप्स वगैरह अगर कुछ भी इंस्टॉल करना हो वो सब आपका है। मैप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ वाईफाई नहीं है इसके वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ कार सेटिंग, कार के बारे में। यहाँ पे आप फुल सेटिंग कर सकते हैं ड्राइवर असिस्टेंट, मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने क्लोज पे आपके सेंसर आपको अलर्ट करेगी। तो ये सब यहाँ पे आपको डोर ओपन वार्निंग वगैरह आपको देख सकते हैं। ये जी टूर आया है तो जी टूर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको
डोर ओपन है कि नहीं, कोई करीब आ रहा है कि नहीं, या आप लेन में जा रहे हैं कि नहीं, वो सब बारे में ये आपको बता देगा। एम्बियंट लाइट, हल्के लाइट से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? जैसे आप इनसाइड, अभी मैं डे टाइम में हूँ इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन ये जो लाइट्स है ये डे टाइम नाइट टाइम में आपको यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंटीरियर के लिए। तो ये सिंगल है, बाकी क्लोज में है, कैसा है या फुल है वैसे आप रख सकते हैं। और आपको क्या दिखा सकता हूँ, आपको एक्सटीरियर लैम्प जो बाहर के लाइट है उसमें एडजस्ट करने का फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको क्या देख सकते हैं, यहाँ पे मैप आपको क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ ये मैप यूज नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ी जब ड्राइव करेंगे तो ये भी आपको फंक्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भाई लेकिन स्टेयरिंग बहुत क्यूट सा है, छोटा सा है, मेरे पंजों के देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा देखा जा रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, बहुत ही इजीली आप टर्न कर सकते हैं। और बड़े अच्छी एक फंक्शन वाली बात मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जब भी आप इसको टायर को एग्जैक्टली फ्रंट पे ला रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे ऐसा दिखेगा, लेकिन जब भी आप इसको लेफ्ट में पूरा टर्न कर रहे हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली 360 कैमरा के साथ आपको दिखा देगा कि आपका टायर किस तरफ जा रहा है। ये देखिए आप फंक्शन देखिए, तो फुल 360 3D कैमरा के साथ आपको दिखा रहा है कि आप अभी किस तरफ है। अब एक और चीज, इसकी पावर जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहां मिल जाएगा, और बाकी हैजर्ड लाइट जलाने के लिए यहां से आप चला सकते हैं। अब एक फंक्शन आपको देखो, आपको ड्राइव अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे? ड्राइव करने के लिए आपको जब भी है यहां आपका फंक्शंस दिया हुआ है। हालांकि ये जो फंक्शंस है मोस्टली बहुत ही प्रीमियम लग्जरी या ब्रांड जो BMW, Mercedes, Audi ये सब में देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे आपको बहुत बहुत मतलब इसका प्राइस इतना अट्रैक्टिव है कि इन सब फंक्शन के साथ इतने कम प्राइस में मिलना ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है। तो यहाँ दोस्तों अब मैं इसकी एक और स्पेशलिटी बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सनरूफ भी आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए एक क्लिक में ऑटोमेटिकली पूरा बैक तक सनरूफ में दिख अच्छा चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। अब मैं इसको बंद करना है तो ये बंद हो गया। अब इसकी तो इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आप फैमिली के साथ हैं तो मुझे चाहिए थोड़ा बिग स्पेस और अंदर से भी अच्छा खासा व्यू चाहिए नाइट के टाइम, बेस्ट कार है। देखिए फुल फंक्शन पूरा बाहर तक ओपन होता है, मतलब आउटसाइड तक आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब मैं और भी पीछे जाना है तो ये उसके पीछे भी चला जाए, तो ऐसा कुछ इसका आपका व्यू आएगा। जब ये पूरा इसका जो गार्ड है वो जब पूरा लास्ट तक जाएगा तो इसका कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों इसकी पीछे की बात करें तो पीछे इसका कुछ ऐसा आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा अच्छी खासी सीट है, डबल सीट बेल्ट के साथ आपको देखेगा, कप होल्डर साथ में है, बाकी आप इसको सीधा ऐसा बंद भी कर सकते हैं। और स्पेस की बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लेग स्पेस देखने को मिल जाएगी। अब हम थोड़ा चला के एक्सपीरियंस करते हैं और बताते हैं इसका क्या वर्थी है इस प्राइस में, किस प्राइस में, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस में बोलूंगा तो काफी जबरदस्त है, बहुत ही स्मूथ है, हल्का है, बहुत ही हल्का है, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग और जबरदस्त है। मतलब कहीं ऐसा मुझे लैक नहीं लग रहा है, हालांकि मैं अभी स्लो चल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा एक्सीलेटर दबाता हूँ तो ग्रेट, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, मतलब माइंड ब्लोइंग सा है, एकदम हल्का है। और मैं अभी थोड़ा एक यू टर्न मारता हूँ, देखता हूँ कैसा इसका वो फील आता है। अगर मैं जब यू करके घूमता हूँ तो इसका स्टीयरिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसा है। तो ये हमने एक कट मारा और यहाँ पे आपका कैमरा में दिखा दिया है कि कैसे करके जाना है। ये मैंने एक बार फिर रिवर्स मारा और ये एक बार फिर से शॉर्ट में 360 डिग्री के साथ देख लिया। तो अब हम थोड़ा ड्राइव करते हैं लेफ्ट के साथ और यूं आपको मिलेगा ऐसा कुछ फंक्शंस। बहुत ही प्यारा सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा। एक बार फुल स्पीड में मैं यहाँ पे डिजिटल पूरा ये चल रहा है, आप देख सकते हैं, और फ्रंट की तरफ ऐसा कुछ इसका व्यू है। बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्टीयरिंग, बहुत हल्का, मतलब मैं वन उंगली से, एक उंगली से मैं इसको यूँ घुमा सकता हूँ। और आपका देखा जाए तो ये देखिए, मैं सिंपली एक उंगली से, मेरे को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, सिर्फ एक उंगली के साथ मैं इसको टर्न कर रहा हूँ। ये देखिए
और ये भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा कुछ है, ये देखो जबरदस्त। मतलब कोई ऐसा लैग मुझे लगी नहीं कि मैं चाइनीज वाला, मैं एक उंगली के साथ, इस उंगली के साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे कुछ भी असुविधा नहीं हो रही है। बहुत प्यारा है साहब, बहुत प्यारा, बहुत ही सोच समझ के इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो चलो इसको हम करते हैं पार्क। अब मैं दिखाता हूँ इसको रिवर्स पार्किंग में कैसे करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से रिवर्स पार्किंग किया, ये आर दिखा दिया है, यहाँ से आपका 2D में या 3D में दिखा देगा। यहाँ पे ये देखिए 3D में दिखा दिया आपको, 3D में पूरा दिखा रहा है, अब ये 2D में दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा ईजी लग रहा है। अब मैं इसको करता हूँ रिवर्स पार्किंग। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन आप देखिए, सिर्फ देखते रहिए, मज़ा आएगा आपको। ये देखिए क्या बात है, आपने पूरा ये फंक्शन तो इसका चलाने का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा फील हुआ। आप मैंने सिर्फ ये उंगली, अपनी ये उंगली के सहारे मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। तो इसका प्राइस जो है इन लोगों ने 94,000 दिरहम रखा है, और ये इंडियन करेंसी में इंडियन करेंसी में करीब 20 लाख के आसपास हो रहा है, माने 19 लाख आसपास समथिंग। तो ऑन रोड प्राइस आपका 20-22 लाख तक आ जाता है। यहाँ पे ऑन रोड प्राइस ऐसा कुछ अलग से लगता नहीं है, हालांकि सिर्फ अगर ये 94,000 है तो मतलब 2,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 96,000 ऑन रोड प्राइस में आ जाएगा। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे को बताइएगा कैसा लगा आपका। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कार के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।